नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। इसके तहत 3 साल से पेंडिंग चल रही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि छात्र छात्राओं के खाते में भेजी जाएगी। आवेदन शुरू है और अप्लाई व रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर तक ही है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने NIC की मदद से अपना खुद का ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप को तैयार कर लिया है, जिस पर जाकर लाभुक छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बताते चले कि सत्र 2019-20 और 2021 के मैट्रिक पास छात्र पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी जो कि पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। कई छात्रों ने आवेदन तो भर लिया है, लेकिन बहुत से छात्र इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोचकर अभी तक कन्फ्यूजन में ही है। आवेदन करने के लिए 10वीं का रिजल्ट, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र, संस्था की फी रिसिप्ट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आदि डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। इनमें से बाकी सब तो सही है, लेकिन अब तक कई छात्र बोनाफाइड सर्टिफिकेट को लेकर दुविधा में हैं। बहुतों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट के बारे में नहीं पता है कि इसे कहां से उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे में हम आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं, जिसके बाद आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट को बनवाने का तरीका जान पाएंगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से मूल स्थान को सत्यापित किया जाता है। मतलब कि इस प्रमाण पत्र के जरिए इस बात का सत्यापन होता है कि आप उस कॉलेज या संस्थान के मूल छात्र हैं या फिर नहीं। बोनाफाइड प्रमाण पत्र को हिंदी में मूल निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। छात्रों को विशेष रूप से स्कॉलरशिप के आवेदन करने के वक्त और नए एडमिशन के तौर पर मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को भरने वक्त भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है, तो चलिए बताते हैं कि आप इसे कैसे बनवा सकते हैं। यह बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके कॉलेज या फिर आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं उसके मुहर लगने के बाद ही सत्यापित होता है। इसे बनवाने के लिए आप किसी ऑनलाइन कैफे से बोनाफाइड सर्टिफिकेट के फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकलवा लें। इसके बाद इस फॉर्मेट में आपको कुछ जानकारियां भरनी होगी। इसमें आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, सेशन, कोर्स का नाम आदि को भर दे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, एडमिशन की तारीख और उस कॉलेज या संस्थान से कोर्स पूरा होने की अनुमानित तारीख आदि को भरना होगा। इसके बाद इस फॉर्म को अपने कॉलेज या फिर संस्थान से मुहर लगवाना होगा। इसके अलावा आप इस फॉर्म के साथ एक आवेदन देकर कॉलेज के लेटर पैड में भी इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, जो कि आपको अपने कॉलेज या फिर जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हैं उसकी तरफ से जारी की जाएगी। इसी तरह से आप फी रिसिप्ट के फॉर्मेट को भी निकलवा कर उसको संस्थान से मुहर लगवा कर तैयार कर सकते हैं। बता दें कि कॉलेज की मुहर के बाद ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट माने होंगे, जिसके बाद इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन भरते समय अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो सकेगा और बाद में खाते में पैसे आएंगे। तो अगर आप भी पात्रता रख रहे हैं और अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आज ही करवाएं, क्योंकि अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 तक ही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।